subject science bio chapter 2 nutrition in animals and humans. Okay, now we will discuss about nutrition in amoeba. इसके पहले मैंने आपको इस chapter में बताया कि nutrition क्या होता है, digestion क्या होता है, ये सब मैं बता दूंगी और digestion कितने types के होता है ना, ये सब मैं बता दूंगी. अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि different types of animals में different types के का डाइजेशन होता है, मतलब अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग्स हुए या एनिमल्स हुए उनमें अलग अलग तरह के डाइजेशन होता है. ये देखिए जैसे कि सम कुछ एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, बट इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप्स होता है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल. अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिंगल सेल से बना होता है, इसीलिए कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर होता है. ये कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड्स में पाया जाता है, झीलों में, तालाबों में पाया जाता है, और ये फूड इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फूडिंग इन दीज वॉटर्स. इसीलिए इसका जो फूड होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, मतलब बहुत छोटे छोटे प्लांट्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं जो कि पानी में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, वो इसका भोजन बनते हैं अमीबा का. तो देखिए अमीबा, अमीबा पहले इसका आकार कैसा होता है, बहुत ही रफ होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, है ना, रफ सरफेस होती है इसकी. तो देखिए अमीबा इनगल्फ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ पॉलीसी कालसीडोपोडिया. देखिए ये अमीबा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई फूड पार्टिकल्स इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो इसमें फॉल्स फीड बन जाते हैं. फॉल्स फीड इनको हिंदी में फूड पाथ कहते हैं, ठीक है. तो जो फॉल्स फीड होते हैं इनको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं. क्या कहते हैं, सीडोपोडिया. तो देखिए ये सीडोपोडिया आता है, ये इंसेक्ट है या कोई भी छोटा स्मॉल प्लांट है उसको कवर कर लेता है. अब इसके बाद में ये जो सीडोपोडिया होते हैं ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेते हैं और फूड वैक्यूल बना लेते हैं और इसकी बॉडी सरफेस के अंदर जो है वो फूड चला जाता है, एक कैविटी बन जाती है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं. इस फूड वैक्यूल में जो कैविटी होती है इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रीट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो फूड होता है इसका डाइजेशन हो जाता है. इसकी वजह से डाइजेस्टिव जूस के कारण ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन किसमें होता है, फूड वैक्यूल्स में होता है. फूड वैक्यूल्स में ही इसका जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेट द फूड. फिर उसके बाद फूड जो होता है एसिमिलेट हो जाता है एंड अमीबा ग्रो इन साइज, देन अमीबा जो है वो साइज में ग्रो करता है, ठीक है. फिर आफ्टर दैन द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल. इसके बाद में क्या होता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड जो भी फूड होता है, बेकार जो वेट पदार्थ होता है, वो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल स्थिति बन जाते हैं जिसके थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है. इस प्रोसेस को इजेशन प्रोसेस कहते हैं. तो ये तो हो गया आपकी न्यूट्रिशन इन अमीबा. इसी तरह से हाइड्रा, हाइड्रा कैसा है, वैसे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा. तो हाइड्रा में क्या होता है कि बहुत सारे टेंटिकल्स निकले होते हैं, ये जो भी इंसेक्ट है या स्मॉल प्लांट है इन टेंटिकल्स में आकर फंस जाते हैं और फिर इसके अंदर जब वो टेंटिकल से जब वो फूड अंदर लेता है तो उसमें बॉडी कैविटी बन जाती है. इस बॉडी कैविटी में डाइजेस्टिव जूस जो है उनका सीक्रीशन होता है जिससे कि जो भी वो फूड है इंसेक्ट है वो पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेस्ट होकर एब्सॉर्ब हो जाते हैं, देन एसिमिलेट हो जाते हैं. इस तरह से वो भी ग्रो करता है साइड में. ओके, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड हाइड्रा. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखिए जिस तरह से देखिए अमीबा में कॉम्प्लेक्स तरह से डाइजेशन होता है उसी तरह से ह्यूमन बींग्स में उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप से डाइजेशन होता है फूड का. देखिए द फूड पासेस थ्रू द नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल एलिमेंट्री कैनाल. देखिए बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं जिनके थ्रू फूड जो है वो पास होता है
हैं, एलिमेंट्री कैनाल या एक डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं और इसमें फूड का जो है वो डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मेनी ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस। देखिए बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और ग्लैंड्स होती है जो कि एसोसिएट होती है विद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से एसोसिएट होती है ये ग्लैंड्स, जैसे कि सैलेरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है ना, ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये फूड का डाइजेशन करती हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हेल्प करती हैं। तो ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से डाइजेशन जो है वो फूड का होता है हमारी बॉडी में। फिर देखिए कि अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए टीथ पढ़ेंगे, टीथ यानी कि टीथ से जो स्टार्ट होता है डाइजेशन हमारी बॉडी में। तो सो वी विल डिस्कस अबाउट टीथ इन ह्यूमन बींग, सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए टीथ इन ह्यूमन बींग्स ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ, यानी कि जो ह्यूमन्स में जो टीथ होते हैं वो पूरी लाइफ में दो बार ग्रो करते हैं है ना, एक तो दो साल ग्रेट पीरियड, दो साल की एज में उस समय 20 सेट के टीथ जो है वो निकलते हैं जो कि कैसे होते हैं टेम्परेरी टीथ होते हैं क्योंकि आफ्टर सम टाइम फॉल ऑफ ये गिर जाते हैं, टीथ जो होते हैं झड़ जाते हैं हमारे मुंह से ये झड़ जाते हैं और फिर नए टीथ आते हैं, न्यू सेट आता है टीथ का। ये लगभग कितना सेट का होता है, 32 टीथ का ये सेट होता है और ये टीथ हमारे बॉडी में कब तक अच्छे परमानेंट जो है ग्रो कर जाते हैं 12 की एज में, ठीक है 12 वर्ष की आयु तक ये टीथ जो है वो पूरी तरह से हमारे जो मुंह है उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं, इन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है क्योंकि ये आगे तक जो है फिर यही टीथ जो है वो काम आते हैं डाइजेशन में। ओके तो ये दीज टीथ आर कॉल्ड मेड टीथ, सॉरी दीज टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और देखिए वो जो पहले जो टीथ निकलते हैं जो टेम्परेरी होते हैं उनको मेड टीथ या दूध के दांत भी कहते हैं। ओके टीचर, तो देखिए अब पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे कि टीथ की टाइप्स किस प्रकार के, तो दियर आर 4 टाइप्स टीथ आर फाउंड इन आर माउथ। तो यहाँ पर 4 प्रकार के दांत जो होते हैं वो हमारे माउथ में पाए जाते हैं। पहला देखिए इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। देखिए इंसीजर्स, इंसीजर सबसे पहले तो इन फ्रंट ऑफ माउथ, ये हमारे माउथ के सामने के जो दांत होते हैं, सामने के जो दांत होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं है ना। तो ये देखिए कितने होते हैं, ईच जॉ, ऊपर नीचे दो जॉ होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ठीक है। तो अपर जॉ में 4 दांत होते हैं और लोअर जॉ में 4 दांत होते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों का अगर सेट कंबाइन कर दें तो कितने टीथ हो गए, नंबर टोटल नंबर ऑफ टीथ 8 हो गए, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो और ये टीथ इसमें पर क्या वर्क करते हैं, विच हेल्प अस इन आवर माउथ बाइटिंग एंड कटिंग, जो भी इसमें हेल्प करते हैं हमारे माउथ में जो भी फूड होता है उसको बाइट करते हैं और कटिंग करते हैं, फूड को उतरते हैं, ठीक है। ये हम जो भी फूड खाते हैं सामने खाते होते हैं तो पहले में जो फूड जाता है उसको बाइटिंग करते हैं और कटिंग करते हैं फूड की। नेक्स्ट है कैनाइंस, कैनाइंस में देखिए प्रत्येक जॉ में कितने होते हैं, दो दांत होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है 4 हो गए। और ये क्या करते हैं, ये ग्राइंड, ये टीयरिंग करते हैं फूड को, ये टीयर कर देते हैं फूड को पूरी तरह से, फूड को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, हाँ नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 8 हो गए, दोनों ऊपर नीचे के जॉ को मिला करके 8 हो जाती है। ये क्या करते हैं, ये फूड को चिलिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, फूड को चबाते हैं और ग्राइंडिंग यानी कि पीसते हैं। फिर आता है मोलर्स, मोलर्स ऊपर नीचे कितने कितने होते हैं, 6 होते हैं, ऊपर 6 नीचे 6 है ना, अपर जॉ में 6 टीथ और लोअर जॉ में 6 टीथ। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 12 हो गए, टोटल नंबर ऑफ टीथ 12 हो गए। ये भी क्या करते हैं, चीलिंग करता है फूड को और ग्राइंडिंग करता है, चबाता है भोजन को और जो है वो ग्राइंड करता है फूड को, पीसता है, ठीक है। तो ये जो हो गया टाइप्स ऑफ टीथ। ओके चिल्ड्रन,
अभी हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे पीर के, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीर। स्ट्रक्चर ऑफ पीर, टीथ आर फिक्स इनटू गम्स। टीथ जो होते हैं वो गम्स में जो है वो पूरी तरह से फिक्स होते हैं। एंड ईच टूथ हैज फॉलोइंग पार्ट्स। देखिए प्रत्येक जो दांत होते हैं उनके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सा पार्ट आता है, रूट। रूट आता है, कंटेन करता है। नेक्स्ट आता है आपका डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है ये हार्ड होता है, ये बहुत हार्ड होता है एंड इट इज बोन लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोन लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखिए आता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो होती है ये डेंटाइन के अंदर होती है। पल्प कैविटी इन साइड द डेंटाइन, ये डेंटाइन के अंदर होती है और ये वेरी सॉफ्ट होती है। इन दोनों की तुलना में, एनामल और डेंटाइन की तुलना में, पल्प कैविटी वेरी सॉफ्ट होती है एंड इन साइड द डेंटाइन, और ये प्रेजेंट होती है डेंटाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड पल्प कैविटी कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। पल्प कैविटी में बहुत सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो है उनको ये कंटेन करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ पी। ओके चिल्ड्रन, बाय। आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो।